जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों हाल ही में मैंने आप लोगों से रामेश्वरम स्टेशन के बारे में कुछ बातें शेयर की थी, जिसको देखने के बाद बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि सर आपने वापसी की जर्नी नहीं दिखाई जिसमें आपने रामेश्वरम से मदुरई के बीच यात्रा की थी। तो मैंने सोचा क्यों ना वो जर्नी भी आप लोगों से आज शेयर की जाए। तो ये जर्नी यूनिक इसलिए थी क्योंकि जो सेक्शन है सिंगल लाइन सेक्शन है और ये डीजल रूट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। तो आपको डीजल लोकोमोटिव देखने को मिलते हैं जिसमें से एक यूनिक लोकोमोटिव यानी हमारा WDP-3A ये आपकी आंखों के सामने ही है। ये बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है आजकल क्योंकि धीरे धीरे समय के साथ ये लोकोमोटिव अब हमारी भारतीय रेलवे में कम होता चला जा रहा है और मॉडर्न लोकोमोटिव आते जा रहे हैं। तो फिलहाल है हम लोग रामेश्वरम से मदुरई के बीच चलने वाली पैसेंजर ट्रेन में और मैंने जान करके रिटर्न जर्नी पैसेंजर ट्रेन में की थी ताकि मैं रास्ते में मिलने वाले जो खाना पीना है उसे एक्सप्लोर कर सकूं और लोगों से घुल मिल सकूं। काफ़ी अच्छा रेलवे स्टेशन है 5 प्लेटफॉर्म का। यहाँ पे आपको खाने पीने की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इडली डोसा वड़ा सांभर जैसी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। और रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से अब हम लोग विदा लेते हैं क्योंकि अब आगे हमारा पाम्बन का जो रेलवे का पुल है वो इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मैं भी आप लोग को मेनली वही पुल दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ही विशाल काय है। लेकिन उससे पहले बहुत खूबसूरत नज़ारे आते हैं जब हम लोग रामेश्वरम से मदुरई के बीच यात्रा करते हैं, क्योंकि रामेश्वरम एक आइलैंड है और जिसके कारण हमें घास और रेत दोनों ही चीज़ देखने को मिलती है। और ऐसे में जब हमारी ट्रेन यहाँ से गुजरती है बहुत ही अच्छा लगता है। आप इन्जॉय कीजिए इस क्लिप को, मैं आप लोग से सीधा मिलता हूँ ब्रिज के पास। दोस्तों आप लोगों ने इंग्लिश में कहावत तो सुनी ही होगी, इफ़ यू आर गुड एट एनीथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। आज ही डाउनलोड करें लूडो सिंह, जो कि आप दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब आप लूडो खेल के भी पैसे कमा सकते हैं। खेलते खेलते पैसे कमाने का इससे आसान तरीका और कहीं नहीं मिलेगा। ये गेम सिर्फ आप दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से ही डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ दो लिंक दिए गए हैं, एक एंड्रॉयड के लिए और एक iOS के लिए। तो दोस्तों अभी डाउनलोड करें और जीतें 8000 तक, और जीते हुए पैसों को सीधा आप अपने पेटीएम अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते ही देखते अब हमारी ट्रेन ब्रिज के पास तक पहुंच चुकी है और सभी लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं जैसे ये पाम्बन का पुल आता है। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही लंबा है ये पुल, लगभग 2.5 किलोमीटर जितना लंबा है ये पुल। और आप देख सकते हैं सिग्नल ग्रीन है हम लोग के लिए प्रोसीड, और समुद्र दूर दूर तक आपको दिख रहा है। देखिए कोई एंड ही नहीं है इसका, कोई अंत नहीं है, समुद्र बहुत ही विशालकाय होता है। और ऐसे में ये जब पुल यहाँ बनाया गया है तो बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही हिम्मत का काम है। आप देख सकते हैं आपको अब इंडिया मेन लाइन देखना शुरू हो गया होगा, दूसरा छोर अब हमें देखना शुरू हो गया है और हमारी ट्रेन अब इस लंबे से पुल को पार करेगी। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है ये। तो अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो ज़रूर इस एक्सपीरियंस को ट्राई कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग होता है। अब ये ब्रिज जो है बहुत ही लंबा है और ऐसे में अगर मैं आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा तो लगभग 10 से 15 मिनट तो ट्रेन हमारी ब्रिज को ही क्रॉस करती रहेगी। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्रिज हमारा कैसा है। दूर पे आप देख सकते हैं प्यारी सी खूबसूरत सी खूब सारी नाव हैं रंग बिरंगी, जो कि इसे और भी खूबसूरत बनाती हैं, नज़ारे को देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ ही साथ रोडवेज का जो पुल है वो भी साथ चलता है रामेश्वरम आइलैंड को इंडिया मेन लाइन से जोड़ने के लिए। अब आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि साइड में जो रोड बनी है वो कैसी है और उसका पुल कैसा है और नीचे गहराई कितनी ज़्यादा है। पत्थरों में लहरें टकरा रही हैं और आवाज़ें आती हैं, बहुत ही अच्छा लगता है सुन करके। और कई बार तो आपको मछलियाँ भी देखने को मिलेंगी ऐसे में, अगर आप कुछ खाने पीने का सामान जैसे ब्रेड या ऐसी चीज़ें फेंकेंगे तो आपको देखने को भी मिलेंगी मछलियाँ कैसे उसमें तेज़ी से झपट्टा मारती हैं। दोस्तों मेन पुल भी आ गया है जो कि शान है। जब भी कोई बड़ी नाव यहाँ से गुजरती है तो पहले से परमिशन लेने के साथ इस पुल को खोला जाता है, ये बीच से ओपन होता है और जो नाव है वो उसके नीचे से पास हो जाती है और वापस से रेलवे ट्रैक क्लोज हो जाते हैं। आप इसको थोड़ा करीब से देखिए, मैं मिलता हूँ आप लोग से जल्द ही।
तो दोस्तों इस ब्रिज में जो ट्रेन की रफ्तार है उसे 10 किलोमीटर पर आवर में रिस्ट्रिक्ट किया गया है। ट्रेन धीरे धीरे इस ब्रिज से बढ़ती है और आप लोग आराम से सारी चीज़ों को धीरे धीरे ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं और इन्जॉय भी कर सकते हैं। तो बस ब्रिज का हिस्सा ख़त्म हो चुका है और हम धीरे धीरे अब मेन लाइन पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी लंबी यात्रा थी, मैंने जानबूझ के आपको कट करके दिखाई, वरना लगभग 10 से 15 मिनट तक तो आपको ब्रिज ही देखने को मिलता है। ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलती। वैसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं वह कम्प्लीटली अनकट वीडियो, मेरा एक और चैनल है सत्य हमसफ़र नाम का, वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और जिन लोगों को देखना है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। कल शाम तक वहाँ पे भी वो वीडियो आ जाएगा और आप पामन के अनकट वीडियो को भी देख पाएंगे। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है अब पार हो चुकी है, इसके बाद अब बारी है आप लोग इन्जॉय कीजिए ट्रेन की चगिंग को। जैसे ही ट्रेन पार कर लेती है समुद्री इलाके को, उसके बाद जो हमारा लोकोमोटिव है बहुत ही खूबसूरती से चगिंग करते हुए आगे की ओर हमें लेकर चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग मदुरई से रामेश्वरम की ओर यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे में आपके सामने सबसे पहले मंडपम रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद आएगा वो खूबसूरत सा पुल और फिर आप लोग पहुंचेंगे पामन रेलवे स्टेशन में और उसके बाद रामेश्वरम रेलवे स्टेशन में। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखिएगा, मंडपम रेलवे स्टेशन पार होते ही एक्टिव हो जाइएगा क्योंकि तभी आपको वो सुंदर सा ब्रिज देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हमारी ट्रेन मंडपम रेलवे स्टेशन से भी चल चुकी है और हमारी ट्रेन में WDM-3A लोकोमोटिव लगा हुआ है जो कि एक एल्को लोकोमोटिव है और जिसकी चगिंग बहुत ही खूबसूरत है। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए इस शॉर्ट जर्नी को, मैं जल्द ही आप लोगों से मिलता हूँ। दोस्तों कुछ ही समय बाद हमारी ट्रेन मानव मदुरई नाम के रेलवे स्टेशन पहुंची जो कि बहुत ही बड़ा था, जहां हम लोगों ने समोसा, चना और ऐसी दाल वड़ा, चाय, ऐसी चीज़ें ट्राई की जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो अगर आप लोग भी यात्रा कर रहे हैं इस रूट में तो इन सब चीज़ों को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और आपकी यात्रा को और भी बेहतर और भी अच्छा बना देती हैं।
दोस्तों इस यात्रा में मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस यात्रा में मुझे कंपनी दे रहे थे ऐसे भी व्लॉग्स के सौरभ भाई, और हम लोग इस यात्रा को बहुत इंजॉय कर रहे थे क्योंकि जो साउथ इंडियन रूट है ये बहुत ही अच्छा लगा हमें। जो प्लेन्स हैं, जो हरियाली है, सिंगल लाइन रूट है, डीजल लोकोमोटिव हमारी ट्रेन को बहुत ही खूबसूरती से हॉल करते हुए आगे बढ़ रहा था, और ये जो जर्नी थी जनरल क्लास में बहुत ही मज़ेदार थी। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और इन्हीं सब के बाद हमारी ट्रेन जा करके फाइनली पहुंची मानमदुरई रेलवे स्टेशन, जहां पे हमने चने वगैरह लिए और ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें ट्राई की जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया। और ये हमारी ट्रेन खड़ी है और बगल में आप देख सकते हैं तिरुचिरापल्ली से मानमदुरई के बीच चलने वाली DEMU खड़ी हुई है। और मानमदुरई रेलवे स्टेशन से तिरुचिरापल्ली के लिए रूट गया हुआ है, और जो दूसरा रूट गया हुआ है वो है मदुरई की ओर, जिसमें हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे चल करके मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। जैसे हमारी ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर होता है दोस्तों, तो ट्रैक बदलते हुए हम लोग मानमदुरई जंक्शन से विदा लेते हैं। मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था, ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है और बादल बहुत ही साफ दिख रहे थे। आप देख सकते हैं इस रूट की बात की जाए तो ये काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है अगर इस ओवरऑल रूट को देखा जाए। वैसे तो रूट भी बहुत छोटा है और ट्रेनें भी इस रूट में बहुत ही कम है, लिमिटेड ट्रेन है दिन में। अगर रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से बात की जाए तो टोटल 14 ट्रेन्स वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं, लेकिन भारत के लगभग हर कोने के लिए वहाँ से ट्रेन्स हैं, जैसे वाराणसी, ओखा, बेंगलोर, एर्नाकुलम, चेन्नई, ऐसी बड़ी बड़ी जगहों को तो ट्रेनें कवर करती ही हैं। साथ में अजमेर वगैरह भी आप जा सकते हैं। एक ही हिस्से के लिए मैंने अभी तक कोई ट्रेन नहीं देखी रामेश्वरम से, वो है हमारा नॉर्थ ईस्ट, जैसे अगरतला, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, ऐसी जगहों के लिए रामेश्वरम से ट्रेन नहीं है। बाकी लगभग हर हिस्से के लिए भारत के रामेश्वरम से ट्रेनें उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आप लोग को ट्रेनें बदलनी हैं तो आप मदुरई रेलवे स्टेशन आ सकते हैं जो कि रामेश्वरम से बहुत ही पास है, और यहां से आप पूरे भारत के लिए ट्रेनें पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है, आप लोग को वो हिस्सा दिखाता हूँ जो कि तिरुचिरापल्ली की ओर जा रहा है। मानमदुरई से तो हमारा डिपार्चर हो चुका है, पर अब आप जो रूट देखेंगे वो है तिरुचिरापल्ली की ओर जाने वाला रास्ता। ये जो रूट है, मैंने इस पूरे रूट में ट्रेन को 100 KMPH से ऊपर जाते नहीं देखा, और वैसे सच बताऊं तो 90 KMPH से ऊपर भी मैंने नहीं देखा। कई बार मीटर की रीडिंग गलत हो सकती है, तब ट्रेन को मैंने 100 के आसपास देखा है, पर वैसे ट्रेन 90-80 इसी स्पीड को मेंटेन करती है। स्टेशन काफ़ी दूर दूर हैं, पर मज़ा काफ़ी आया इस यात्रा में। और पूरी यात्रा को ख़त्म करके फाइनली हम लोग पहुँचे मदुरई जंक्शन, और आप देख सकते हैं कन्याकुमारी तरफ से आती हुई लाइन जो कि इलेक्ट्रीफाइड रूट है वो आ रही है तिरुनेलवेली होते हुए, और हम लोग अब जुड़ चुके हैं इस लाइन से भी और मदुरई रेलवे स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं। मदुरई पे मैंने स्टे किया था IRCTC के लॉन्च पे, जिसका भी रिव्यू मैंने आप लोग को पहले ही दिया था। वो वीडियो अगर आप लोग देखना चाहें तो टाइप कर सकते हैं मदुरई IRCTC लॉन्च यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा आसानी से। दोस्तों अगर बात की जाए डिस्टेंस की तो रामेश्वरम से मदुरई के बीच में आपको 161 किलोमीटर की यात्रा तय करनी होगी। लगभग 15 स्टेशन है इस बीच में, और ट्रेनों की जो एवरेज स्पीड रहती है वो 40 से 50 के बीच में रहती है, और ऐसे में आपको 15 हॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। और इस रूट में जो ट्रेनें हैं ज़्यादातर ट्रेनें 10 डिब्बे की ही होती हैं जिनमें डीजल लोकोमोटिव्स लगते हैं और इस रूट को कवर करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की ये छोटी सी जर्नी और ये शॉर्ट रिव्यू आपको पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे आप लोग से ढेर सारी जर्नीज में, तब तक ख्याल रखिएगा आप लोग अपना। जय हिंद दोस्तों।
मेरी ट्रैवलिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे करीब से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको ऐसे ही और बहुत सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।